अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सील कभी मैं कभी तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा को तो अब शोहरत मिल रही होती है, हर इंसान उसका फैन हो जाता है और जैसे ही वो अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ होता है लेकिन सजीना की तरफ से उसका ध्यान बिल्कुल ही हट जाता है और वो उसे कहता है कि मैं रात को लेट हो जाऊंगा, तुम खाना खा के सो जाना, लेकिन वहां पर तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है और सजीना मजबूर हो जाएगी कि वो मुस्तफ़ा को छोड़कर चली जाए। वहीं पर अदील तो पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो रुबाब के दिल में वापस से जगह बनाए और उसके माइंड में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए और वो उसे कहता है कि आज हम इतना वक्त एक साथ गुजारेंगे, कितने टाइम से हमने एक दूसरे को टाइम ही नहीं दिया और अपने दिल की बात तक नहीं कही। लेकिन जैसे ही वो पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर अदील ने रुबाब की फ्रेंड को ही गिफ्ट की होती है और ये चीज रुबाब देख लेती है और रुबाब कहती है कि अदील मैं तुम्हें पैसों का हेर फेर तो माफ कर देती लेकिन जो ये हरकत तुमने की है ना इसके लिए तो कभी नहीं। इसके बाद वो अदील के पास जाती है और उसे कहती है कि कल मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टी थ्रो की है।